और 5W1H में अब खबरें डिटेल में। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस ने भारत बंद बुलाया। दावा था कि सभी विपक्षी दल साथ हैं, लेकिन मंच से कई चेहरे नदारद दिखे। महंगे पेट्रोल डीजल और रुपए की गिरती कीमत के विरोध में कांग्रेस ने भारत बंद का आयोजन किया। दिल्ली में राहुल गांधी ने राजघाट से रामलीला मैदान तक मार्च किया। महात्मा गांधी की समाधि पर आज कैलाश मानसरोवर से लाया जल चढ़ाया। कांग्रेस के भारत बंद को कई विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला। कांग्रेस ने तेल की कीमतों के बहाने विपक्ष की एकता दिखाने और सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस मांग कर रही है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे उनकी कीमतें कम हो सके। राहुल गांधी सबसे पहले राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और कैलाश मानसरोवर से लाया जल बापू की समाधि पर चढ़ाया। इसके बाद वहां से रामलीला मैदान तक मार्च किया। रामलीला मैदान में विपक्षी नेताओं के साथ सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी घूमते थे, कहते थे देखो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और आज नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते। जहां भी जाते हैं किसी ना किसी को तोड़ने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने का काम करते हैं। और जो दुख देश की जनता में है वो हम सबके दिल में है। जो दुख किसानों के दिल में है, युवाओं के दिल में है, हमारी माताओं बहनों के दिल में है, वो इन सब नेताओं के दिल में है, मगर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के नेताओं के दिल में नहीं है। ये फर्क है हम में और उनमें। और हम आपको यहां से वायदा देते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ बीजेपी को हटाने का काम करेंगे।